कैसे मालूम? फूल सब सफेद है। नहीं 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 वो हाँ फ्रूट कलर सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को अपना प्यार भरा नमस्कार बोलूंगी और आप लोग का आशीर्वाद और प्यार ही है कि भोजपुरी से मैं हिंदी फिल्म में एंट्री कर रही हूँ, वो भी एक पारिवारिक फिल्म से कर रही हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है। बस आप लोग का आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बना रहे। अजी फिल्म नाम के हिसाब से तो आपको लगेगा कि एक माइथो फिल्म है, बट ये माइथो फिल्म नहीं है, प्रॉपर फैमिली ड्रामा है और एक स्वीट सी फैमिली है। कैसे उतार चढ़ाव, क्या सारी चीज़ें हैं और मेरा करेक्टर भी काफ़ी स्वीट है, तो अच्छी फिल्म है और मुझे इतना यकीन है कि हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। जी हमारे भोजपुरी में मुझे फीट ग्लैमर हीरोइन के रूप में जानते हैं और ये माइथो फिल्म नहीं, एक फैमिली फिल्म है और इस फिल्म के लिए मुझे एक्टिंग में तो नहीं लेकिन अपने करेक्टर में घुसने के लिए बहुत थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मुझे एकदम स्वीट सी सिंपल सी लड़की बनना था और इतनी स्वीट सी सिंपल सी लड़की आपके सामने है तो बस इतनी ही मेहनत करनी पड़ी। जी आज नहीं, आज चौथा दिन है यहाँ शूट का और इसके पहले हमने आउटडोर माँ पूर्णागिरी शूट किया और वहाँ पे 1001 सीढ़ियाँ हैं और हमारे सारे आर्टिस्ट सब चढ़ के गए, सब माता रानी की कृपा से, और बहुत अच्छे सीन किए, बहुत अच्छे से गाना किया। लखा जी हैं और सारे आर्टिस्ट सब कोई बहुत अच्छे हैं और सबके साथ काम करके इतना मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम फर्स्ट टाइम नहीं कंटिन्यू काम करते आ रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से यही बोलूँगी कि जैसे आपने जय माँ संतोषी, जय साई बाबा और बहुत सारी एक रिलीजियस टच फिल्मों को आपने जितना प्यार दिया है उतना ही प्यार हमारी इस फिल्म को दीजिए, आपको दिल से बहुत पसंद आएगी। माँ पूर्णागिरी ये एक धार्मिक पिक्चर है और इसको एक फैमिली ड्रामा भी बोल सकते हैं आप। ये स्टोरी मतलब एक ऐसी कहानी है, एक रियल बेस्ड कहानी है। ये आप पिक्चर देखिए, आपको वो कनेक्शन फील होगा और मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग जाके पिक्चर देखें, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये है क्या। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन, मतलब मैं चाहूँगा कि मैं दोबारा वहाँ पे जाऊँ। जी माँ पूर्णागिरी में मेरा बहुत ही अच्छा रोल है और बहुत चैलेंजिंग रोल है मेरा। मैं बहुत रिच फैमिली से हूँ और मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए लड़का बहुत ही प्यारा ढूंढा है इंडिया में, तो मैं स्पेशली शादी के लिए इंडिया आई हूँ और मॉम डैड ने बोला है ये लड़का है और इसे शादी करनी है और लड़के से मुझे प्यार होता है। अब लड़का मुझसे शादी करेगा कि नहीं ये पता नहीं, ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। हाँ उत्तराखंड में माँ पूर्णागिरी है, बहुत ही फेमस है और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं, तो उनके ऊपर ये आधारित है फिल्म। और माँ पूर्णागिरी है, माँ का नाम जुड़ा हुआ है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि कितनी मतलब कितना भक्ति भावुक फिल्म होगी है और पारिवारिक फिल्म तो है ही, माँ का नाम जुड़ा है तो पारिवारिक तो होती है फिल्में और बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है माँ पूर्णागिरी की। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है, खन्ना के नाम से लोग मुझे जानते हैं और मेरे बैनर का नाम है खन्ना मूवीज। हमारे उत्तराखंड में माँ पूर्णागिरी विराजमान है और माता पूर्णागिरी काफ़ी विख्यात है, वहाँ देश विदेश में काफ़ी जगह विख्यात हैं। तो 1999 से मेरा सपना था कि मैं माता पूर्णागिरी के एक धार्मिक मूवी बनाऊं जो पर्दे पर लोग उसे देखें। माँ तो माँ है, माँ फेमस है, सभी जानते हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि संतोषी माता के तर्ज पे, माँ वैष्णो देवी के तर्ज पे फिल्में बनी है, तो माता पूर्णागिरी के तर्ज पे भी एक मूवी बने और लोगों में धार्मिक आस्था बढ़ रही है और ज़्यादा बढ़े। देखिए सर ऐसा है, ये माँ की कृपा है, जब बरसेगी तभी होगा। सपना था मेरा 1999 से कि माँ पूर्णागिरी के नाम से एक बड़े पर्दे की मूवी बनाऊं, लेकिन माँ की इच्छा हुई तो अब ये महामाई की अगर कृपा रही तो 1 सितंबर को इस मूवी को ऑल ओवर इंडिया रिलीज करेंगे। सर मैं दिनेश सहगल हूं और दिल्ली के पास फरीदाबाद से रहता हूं और मैं फिल्म इंडस्ट्री से तकरीबन 20 से 25 साल से जुड़ा हुआ हूं और मैंने काफ़ी प्ले वगैरह किए हैं दिल्ली श्रीराम सेंटर वगैरह में। अभी फ़िलहाल मैंने साउथ इंडिया कई एपिसोड किए और अभी मैं पूर्णागिरी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, इसमें मेरी एक पुजारी की भूमिका है। ये हीरो के पिता का रोल है और पॉजिटिव शेड भी है, नेगेटिव शेड भी है और सेमी माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट है। माँ पूर्णागिरी में आस्था रखने वाले एक परिवार की कहानी है, उसमें जो हमारी पत्नी का
किरदार निभा रही हैं वो एक मोड़ पे आके उसमें विश्वास नहीं करती हैं, जिसकी वजह से परिवार पे मुसीबत आती है और फिर वो मुसीबत जो है उनके द्वार पे जाके कैसे ख़त्म होती है वो सब दर्शाया गया है। नहीं देखिए, ऐसा है कि फिल्म का बनना, फिल्म की कॉस्ट निकलना, फिल्म में जो लागत होती है वो निकलना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और फिल्म बेसिकली ऑडियंस के लिए बनाई जाती है, हर तरह की ऑडियंस हमारे देश में है। भारत वैसे बेसिकली धर्म प्रधान देश है, जहां धर्म की में लोगों की आस्था है, तो एक सेक्शन ऑफ पीपल है जो इस तरह की फिल्में देखता है। बेसिकली उनके लिए ऐसी फिल्में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और जिस तरह से आप सब मंदिरों में देखते हैं बहुत भीड़ होती है दर्शन के लिए, लोगों की लाइन लगती है, कतार लगती है, उसी तरह से जब ऐसी फिल्में अच्छी बनती हैं और एक संदेश के साथ बनती हैं तो लोग डेफिनेटली देखने जाते हैं। हाँ, ये सही है कि आजकल कम बन रहे हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ टीवी सीरियल्स में है। टीवी सीरियल्स जो है धर्म के प्रति जिनमें आस्था है वो बहुत सारे बन रहे हैं इस वक्त, तो लोग देख भी रहे हैं, उन्हें टीआरपी भी मिल रही है। धर्म का जो स्थान है देश में जितना महत्वपूर्ण है वो कभी जाने वाला नहीं है, और इस तरह की फिल्में समय समय पर बनती रहेंगी और एक संदेश के साथ जब अच्छी बनती है तो डेफिनेटली वो चलती है। मुझे याद है मैंने गुलशन जी की फिल्म की थी जय माँ वैष्णो देवी, बहुत चली थी वो। शिव महिमा की थी वो, बहुत चली थी। उसके अलावा मैंने बहुत सारी माइथोलॉजिकल फिल्में और माइथोलॉजिकल सीरियल्स किए हैं, वो अपने समय में काफ़ी महत्वपूर्ण रहे और अच्छे चले। डिपेंड करता है मेकिंग के ऊपर, फिल्म तो अच्छी बन रही है, देखिए अब ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है। ये मेरा पहला नेगेटिव कैरेक्टर है, हमेशा मैं पॉजिटिव कैरेक्टर करती आई हूँ, जैसे कि माँ बनी हूँ, एक पॉजिटिव बच्चा खो गया, रोना धोना सब कुछ। बट ये जो मैं कर रही हूँ लाइक वैम्प कैरेक्टर, हर वक्त अपनी बहू के पीछे पड़े रहना, निकल जाओ यहाँ से, मुझे कोई नहीं चाहिए, और भगवान में उसकी कोई श्रद्धा नहीं होती, कोई आस्था नहीं होती। उसका ये है कि जो कुछ भी हूँ आज मैं अपनी मेहनत से हूँ, माइंड यूज़ किया, जो भी पैसा कमाया हमारा है, कोई माँ का आशीर्वाद नहीं है, ये सब नहीं है। तो काफ़ी कुछ होता है इसमें, ड्रिंक करने की ज़्यादातर आदी रहती हूँ, पति को डरा के रखती हूँ काफ़ी, मतलब आप फिल्म देखेंगे तो मालूम हो जाएगा। वो चीज़ मैं लाइफ में कभी नहीं भूलने वाली हूँ, सबसे पहली बात तो। हालांकि मैं मुस्लिम हूँ बट मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, 1400 कुछ सीढ़ियाँ थी, बट कभी नहीं भूलने वाला एक्सपीरियंस है। और सब लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। मैं इन सब चीज़ों में बहुत आस्था रखती हूँ, कुछ भी होता है या मेरी लाइफ में कोई चीज़ आते आते नहीं रहती है, तो मैं यही बोलती हूँ कि ज़रूर कुछ अच्छा होने वाला है, मायूस नहीं होती। तो जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। सबसे पहले आप सबको मेरा जय श्री टीका नमस्कार। ये जो पूर्णगिरी माता के ऊपर जो पिक्चर बन रही है, एक्चुअली जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो इसके बहुत भक्त हैं, और ये पूर्णगिरी माता जो है ना वो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे पहाड़ पे है, जहाँ 1450 सीढ़ियाँ हैं। तो हमने वहाँ जाके 4 दिन शूटिंग की। तो यहाँ वो ऐसा ही एक फैमिली है, फैमिली में एक दादा है, दादी है, तो मैं दादी का रोल कर रही हूँ, और मेरा बेटा जो गजेंद्र जी है जवान, और उसका जो बेटा है वो पोता जो मेरा है वो हमारे साथ रहता है, और एक लड़की है जो उस माता के मंदिर में आती है वो हीरोइन है। तो वो जो हमें पसंद आती है, वो लड़की जो हीरोइन है हमें पसंद आती है, और लेकिन फिर एज यूजुअल होता है ना कि भाई मेरी बहू है, खड़ूस है, उसको पसंद नहीं है, तो इस तरह का वो फिर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। फिर बाद एंड में माता का चमत्कार कैसे हुआ जाता है वो इस पिक्चर में दिखाया है, और इस तरह की ये स्टोरी है। और इसमें मेरा इमोशनल भी रोल है, एक क्या कहते हैं डोमिनेटिंग भी रोल है, और एक लविंग मदर का भी रोल है, लविंग दादी का रोल है, तो इस तरह के काफ़ी शेड्स है। तो ये बहुत अच्छी पिक्चर है और मैं चाहती हूँ कि लोग ये पिक्चर देखें और ये पिक्चर चले। बात मैं कहना ज़रूर चाहूँगी कि मैं आज मैंने 700 पिक्चरें की है और 18 लैंग्वेजेस में काम किया है, मतलब हिंदी, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मारवाड़ी, पंजाबी, हरियाणवी, सिंधी, बंगाली, उड़िया, आसामी, राजस्थानी, इंग्लिश, मतलब 18 लैंग्वेजेस में किया है। और दिलीप कुमार से लेकर शाहरुख खान तक सबके साथ, सलमान खान सबके साथ काम किया है, और पूरे वर्ल्ड में मैंने जयश्री नाइट्स की है, और तलत महमूद से लेकर अनु मलिक तक सभी के साथ किए, उनके नाइट्स में भी, मतलब ऐसा कोई नहीं था कि जहाँ पे शो हो और जयश्री का डांस नहीं। लेकिन ये मैं सब क्रेडिट दूंगी मेरे माँ बाप को, आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे माँ बाप चित्रसेन तड़पदे, सुगंधा तड़पदे, और टी मतलब तड़पदे, और साई बाबा को, मैं साई बाबा की भक्त हूँ।